गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू। ये गुड वाइब्स का प्रोडक्ट है और स्किन केयर से रिलेटेड है, जो कि है गुड वाइब्स का रोज़ हिप फेस मास्क। तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग शेयर की है अपने दूसरे वीडियो में, जो कि मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे purple.com से। मैंने स्किन रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चेक कर सकते हो। इससे पहले मैं रोज़ हिप का सिरम यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। तो मैं देखना चाहती थी कि इसका फेस मास्क कैसा होता है। रोज़ हिप का जो सिरम था वो मुझे बहुत पसंद आया था, लिटरली बहुत ही प्यारा उसका रिज़ल्ट मिला था मुझे। और जो रोज़ हिप का फेस मास्क है, इसका मैंने रिव्यू देखा था purple.com पे, बहुत लोगों ने इसकी तारीफ़ की है कि काफ़ी अच्छा है एज अ ग्लोइंग पर्पज़ से। अगर आप ग्लोइंग पर्पज़ से फेस पे ले रहे हो तो काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और बहुत लोगों ने अपने टेस्टिमनी शेयर किए हैं उस पर। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं ट्राई करके देखती हूँ। मैं फेस मास्क तो हमेशा खरीदती रहती हूँ, मैं बहुत कम फेस मास्क यूज़ करती हूँ, बट मुझे एक अच्छा फेस मास्क चाहिए था जो कि मैं डेली बेसिस पे, वीकली पर्पज़ पे अपना लगा सकूँ, उसे यूज़ कर सकूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ तो स्किन केयर नहीं करती हूँ, बट लेकिन थोड़ा बहुत करना चाहिए, क्योंकि हम इतना बाहर जाते हैं, पॉल्यूशन वगैरह कहीं भी निकलते हैं, तो थोड़ा सा स्किन का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए मुझे एक फेस मास्क चाहिए था उस पर्पज़ से। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी पैकेजिंग आपको दिख जाएगी इस तरीके से, आपको ब्लर दिखेगा वीडियो की वजह से, बट इसका मैं आपको क्लोज शॉट दिखा दूँगी। ये आप देख सकते हो, ये प्लास्टिक के इस तरीके के बॉल में आपको मिलेगा छोटे से। ट्रैवल फ्रेंडली है, आप बाहर से ले जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ऐसी कि गिर के टूट जाए। तो फर्स्ट टाइम मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो इसे मैं आपको यहीं पे सामने ही यूज़ करके दिखाऊंगी। अभी मैंने इसका सील भी नहीं खोला है, आप देख सकते हो, मैंने इसका सील भी ओपन नहीं किया है अभी। तो मैं इसका रिव्यू भी सामने आपको लाइव शेयर कर सकूँगी कि मुझे कैसा रिज़ल्ट आया है, और वो चीज़ देखना ज़्यादा बेटर रहेगा कि कोई भी चीज़ हम खुद से बता के शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप लाइव देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अभी बात करते हैं इसकी डिटेलिंग की, जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये इस पे लिखा है कि ये रोज़ हिप गुड वाइब्स रोज़ हिप स्किन ग्लो फेस मास्क है, जो हमेशा लिखा रहता है गुड वाइब्स के प्रोडक्ट में, नो पैराबिन, नो मिनरल ऑयल। एंड यहाँ पे इसका जो प्राइस है, अमाउंट है, वो भी दिया हुआ है, और इस पे अगर ऑफ़र वगैरह चलता रहता है तो इसमें आपको रेट भी कम हो जाएंगे। तो आपको इसे वीकली रूटीन में यूज़ करना है अपने, जो कि आप हर वीक यूज़ करते हो कोई भी फेस मास्क, उस हिसाब से आपको इसको अच्छे रिज़ल्ट के लिए, बेटर रिज़ल्ट के लिए आपको इसे आपको पार्ट्स में, आपको वीकली रूटीन में आप इसे शामिल करना होगा। ये क्लेम करे कि आपकी स्किन को रिवील करेगा एज अ सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन में, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, मतलब कि ये हर स्किन के लिए सूटेबल है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। किसी भी तरीके की आपकी स्किन हो, लाइक आपकी ड्राई स्किन हो, आपकी ड्राई स्किन हो, आपकी नॉर्मल स्किन हो, आपकी ऑयली स्किन हो, तो उनके लिए, सबके लिए सूटेबल है ये, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसे यूज़ करने में। हाउ टू यूज़, लाइक जैसे हमें नॉर्मल फेस पैक ज़्यादा सारे यूज़ करते हैं हम, वैसे ही इसे हमें यूज़ करना है, इसमें अलग से कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर आप चाहते हो तो अलग से निकाल के आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो उसमें, लाइक आप कुछ एसेंशियल ऑयल ऐड करना चाहते हो, या रोज़ टोनर आता है, या फिर रोज़ वाटर होता है, वो आप ऐड करना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसे डायरेक्ट इसका जो स्कूप है, वन स्कूप निकाल के इजीली जितना भी अमाउंट आपके हिसाब से लग सकता है फेस पे, आप उसे लगा सकते हो। इसमें नीचे एक चीज़ और लिखी हुई है कि इसमें नो सल्फेट, नो एनिमल टेस्टिंग, मतलब इसमें सल्फेट वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। तभी मैंने फेस पे भी कुछ भी नहीं लगाया है, मेरा फेस क्लीन है, मैंने कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइज़र कुछ भी नहीं लगा रखा है, सीधे मैंने फेस वॉश किया था उसके बाद मैं आ गई थी। तो मैं इजीली इसे अप्लाई कर सकती हूँ यहीं पर। तो अभी पहले इसे ओपन करते हैं। तो इसकी पन्नी जो है, इसके ऊपर जो इसकी पैकेजिंग है, वो मैं इसे अभी यहीं ओपन कर रही हूँ। तो काफ़ी क्यूट सा ये है, इसका शाइनिंग बहुत अच्छा है, और इस बॉक्स को आप यूज़ भी कर सकते हो, जब भी ख़त्म हो जाता है तो आप इसे इजीली से यूज़ कर सकते हो, लगाने में, कोई भी चीज़ यूज़ रखने में, या कुछ भी चीज़ में। मैं तो जैसे बॉक्स वगैरह होते हैं तो मुझे यूज़ में आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इसे ओपन मैंने इस तरीके से किया है। एक छोटी सी आपको प्लेट मिलेगी इसके ऊपर, इस तरीके की प्लास्टिक की प्लेट है। तो मैं इसे अभी इस तरीके से यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसका पॉइंट, जिसे आप थोड़ा सा पुल करोगे, खींचोगे, तो ऐसे ओपन हो जाएगा। दिस पे देखिए, तो ये इसका जो है कंसिस्टेंसी है इसकी, काफ़ी मुझे थिक लग रही है, खुशबू है, वाओ,
इसकी जो खुशबू है रियल में रोज़ हिप लिखा हुआ है, तो पूरी रोज़ वाली खुशबू है इसमें। जो इसकी स्मेल है काफ़ी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, बट लेकिन जब आप स्मेल करोगे पास जाके तो आपको काफ़ी अच्छी इसकी रोज़ की तरह जो एक गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं उस तरीके से आपको उसकी फील आएगी, लाइक लगेगा आपने वही पीस के इसे लगा दिया गया है। तो अभी मैं इसे अपने फेस पे लगाती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मेरा फेस वॉश है जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, किसी भी तरीके की कोई चीज़ मैं ऐड नहीं कर रही हूँ इसके अंदर। मैं आपको दिखा देती हूँ हल्का सा आउट पास ला के, तो आप ये देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये मैं अपने हैंड के ऊपर लगाती हूँ थोड़ा सा, तो इस तरीके का ये इसका अमाउंट रहेगा। तो ये हल्का सा शाइनी शाइनी सा है, आई थिंक शायद इसमें कुछ थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी लाइक इस तरीके से चीज़ें मिलाई गई हैं जो हमारे फेस की स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आप जब भी अपने कोई भी फेस मास्क लगा रहे हो तो ना बालों को ज़रूर टाई कर लो, बांध लो। तो अभी हल्का सा मैंने पीछे थोड़ा सा हल्का सा बालों को बांध लिया है, और अभी जैसे भी आप लगाते हो अपने फेस पे फेस मास्क उसी तरीके से लगाना है। अभी मैं सामने ही, मुझे मैंने जैसे बोला कि मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, तो सामने ही मैं दिखा रही हूँ आपको लगा के। तो अपनी आइज़ से बचाते हुए, कि आइज़ क्या होता है ना, हमारा बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, तो कभी भी आइज़ के पास नहीं ले जाना है आपको, और हल्की हल्की पतली पतली लेयर जो है वो आपको लगा लेनी है। तो हमने से अप्लाई कर लिया अपने फेस पे, और इसमें 15 to 20 मिनट इसको रखना है अपने फेस के ऊपर, और नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। जो भी आप नॉर्मल वाटर यूज़ करते हो उसी से आपको वॉश कर लेना है। तो इसे वो ड्राई हो रहा है, हल्का हल्का ड्राई हो रहा है, अभी लगाते लगाते थोड़ा सा ड्राई हो गया था। थिक लेयर नहीं लगानी है आपको इसकी, तो मैं आपको वॉश करके फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। नॉर्मल वाटर से मैंने वॉश किया इसको, और इसको वॉश करने के बाद स्किन थोड़ी सॉफ्ट लग रही है। और मैंने जैसे बताया आपको कि पहली बार में कोई मिरेकल नहीं होता किसी भी चीज़ में, तो आपको 2-3 बार इसे ट्राई करना पड़ेगा। इसका मैं अभी एक क्विक मैंने आपसे रिव्यू शेयर किया है, इसके आगे मैं जब मेरा एक्सपीरियंस जैसा कैसा होगा मैं इसे वीकली यूज़ करूँगी इस फेस पैक को। वैसे मैं वीकली यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मली जब मुझे कभी लगता है कि हाँ थोड़ी स्किन ड्राई हो रही है या रफ़ हो रही है, थोड़ी सी लगता है मुझे क्लीन करने की ज़रूरत है किसी फेस पैक से या फिर स्क्रबर से, तभी मैं वॉश करती हूँ। मैं वीकली कभी भी कोई भी स्किन केयर नहीं करती हूँ, बट मैं इसका रिव्यू शेयर करने के लिए आपसे मैं इसे वीकली यूज़ करूँगी, और उसके बाद मैं अपना 1 मंथ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी कि आफ्टर वन मंथ मुझे कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस फेस पैक के साथ में, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट देगा और मैं ज़्यादा आपसे बेटर शेयर कर पाऊँगी ये चीज़। और अभी मैंने ये जो क्विक रिव्यू शेयर किया है आपसे उसका एक्सपीरियंस आपके सामने है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट वॉश में, मैंने 10 मिनट्स में, अराउंड 10 मिनट्स मैंने इसे रखा था। आप कम से कम 15 to 20 मिनट्स रखिए इसको तो बेटर रहेगा। ये नहीं कि थोड़ा सा ड्राई हो गया तो आपने छोड़ दिया, थोड़ा सा उसके जो उसकी चीज़ें होती हैं एसेंशियल होते हैं उसके जो भी चीज़ें इसमें मिलाई गई हैं, जो भी इसमें हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे स्किन को क्लीन करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए जो भी चीज़ें इसमें इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, तो उन्हें थोड़ा सा मिक्स होने दीजिए अपने स्किन में। तो कम से कम 15 to 20 मिनट्स आप इसे रखिए, मैंने इसे 10 मिनट में वॉश कर लिया। तो उसके बाद 10 मिनट के बाद भी आप देख रहे हो मैंने कोई स्क्रबर यूज़ नहीं किया था, मैंने कोई क्लिनजिंग नहीं की थी अपने फेस पर, नॉर्मल जो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ मैंने उससे किया था। बट इसने काफ़ी मेरी टैनिंग भी हटा दी है, जो कि हल्की फुल्की मुझे नोज़ के पास से टैनिंग लग रही थी, आप देख सकते हो मेरा हल्का हल्का नोज़ जो है शाइन कर रहा है, तो उससे टैनिंग मेरी काफ़ी क्लियर हुई है। तो फर्स्ट बार में ही काफ़ी अच्छा इसने रिस्पॉन्स दिया है, जो कि मैं अदर फेस वॉश यूज़ करती हूँ, सॉरी जो कि मैं अदर फेस पैक यूज़ करती हूँ उसका जो रिज़ल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है फर्स्ट वॉश में ही। तो ये मुझे चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है इसकी। और गुड वाइब्स के प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे होते हैं, आग बंद करके आप उस पर भरोसा कर सकते हो। अगर आप कोई अच्छा फेस पैक यूज़ कर रहे हो तो एक फेस पैक लो, बट लेकिन अच्छा लो, नॉर्मल इधर उधर के ऐसे वैसे फेस पैक मत लो। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मैं इसे आपको 100% आपको मैं इसे रिकमेंड करती हूँ ब्राइटनिंग और ग्लोइंग के लिए,
और लाइक आपको सॉफ्ट अपनी स्किन चाहिए तो उसके लिए अगर आप इसे कोई भी अच्छा फेस पैक ढूंढ रहे हो तो आप ज़रूर इसके साथ जा सकते हो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कुछ भी नहीं करना है, purple.com से आपको इसे परचेज़ करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम purple.com पे कुछ भी परचेज़ कर रहे हो तो इससे पहले मैंने जो अपना वीडियो बनाया था जो कि मेरा अनबॉक्सिंग प्लस पर्पल पे आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो उसकी मैंने पूरी डिटेल शेयर की है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में यहाँ पे दे रही हूँ, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने डिटेलिंग उसमें शेयर की हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं जाके वहाँ से। वो ड्राइनेस नहीं ज़्यादा फील होगा अगर आप लगा रहे हो तो, थोड़ा सा इसमें जो चीज़ें मिली हुई हैं तो आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए, स्किन को नरिश करने के लिए स्किन को बहुत सारी चीज़ें मिलाई गई हैं जो कि आपको ड्राइनेस फील नहीं होने देंगी। हम नॉर्मल कोई भी मुल्तानी मिट्टी वगैरह यूज़ करते हैं, कोई भी पाउडर बेस में हम कोई फेस पैक यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ड्राइनेस कर देता है हमें, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। इसमें काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिले हैं जिनकी वजह से मुझे इतनी ड्राइनेस नहीं फील हो रही है। बट लेकिन अगर आपको ज़्यादा ड्राइनेस का इशू है तो आप ज़रूर अपना जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते करते हैं उसे ज़रूर लगा लें। बहुत सारे वीडियोज़ मैं आगे लाने वाली हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।